हेलो गाइस, चलिए आज बनाते हैं चावल के आटे से और सूजी से इडली। चलिए फिर तैयारी करते हैं। एक कटोरी सूजी ले लिया है और 1.5 कटोरी चावल का आटा और 1 कटोरी दही ले ली है। पानी डाल के सभी को अच्छी तरीके से मिला के 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। फिर हमने इधर पैन चढ़ा लिया है। पैन में तेल डाल के गर्म कर लिया है। चने का दाल, उड़द का दाल, राई और कड़ी पत्ता, अदरक, मिर्च, टमाटर और हरी धनिया डाल देना है। थोड़ी सी इमली डाल देनी है, नमक डाल देना है, काला नमक डालना है और भूजा हुआ चना डाल देना है और सूखी नारियल डाल देना है। फिर सभी को अच्छी तरीके से पका लेते हैं। थोड़ी देर पक गई है, इसको ढक रख देते हैं ठंडा करने के लिए। इधर सूजी में हमने नमक डाल दिया और अच्छी तरीके से चला लिया है। फिर सांचे पे तेल लगा लेना है। तेल लगा के हमें इनो डाल के देना है उसमें सूजी में और अच्छी तरीके से मिला लेना है। फिर सांचे में हमने सूजी को डाल दिया और ढककर रख दिया है। इधर चटनी में कुनकुना पानी डाल के चटनी को भी पीस लिया है। चटनी हमारी तैयार हो गई, तड़का भी लगा दिया। इधर इडली देखिए हमारी बनके तैयार हो गई है और इसको ठंडा करके निकालिए। अगर आप इसको गर्म में निकालेंगे तो ये टूट जाएगी। देखिए इडली बनके तैयार हो गई है। चलिए फिर सर्व करते हैं। हमने प्लेट भी तैयार कर ली है। देखिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।